समय चारों ओर युद्ध कर रहा है। वो अकेले ईरान, हिजबुल्ला, हमास और यमन के हुती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि इजरायल ने हिजबुल्ला पर हमला करने के बाद यमन के हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। एक बयान में खुद इजरायल ने इस बात का खुलासा किया कि रविवार दोपहर इजरायल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर हुदेइदहा में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर दर्जनों हमले किए। इस बीच चलिए जानते हैं कि आखिर इजरायल और हुती विद्रोहियों के बीच दुश्मनी कितनी पुरानी है। बात करें हुती विद्रोहियों की, तो हुती विद्रोही यमन में सक्रिय है। ये मूल रूप से जैदी शिया मुसलमानों के एक समूह से जुड़े हैं। उनका उद्देश्य यमन में अपने राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना है। 2014 में हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिससे एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। ये विद्रोह यमन के राष्ट्रपति अब्दुरब्बू मंसूर हादी की सरकार के खिलाफ था, जो सऊदी का समर्थक था। इजरायल और हुती विद्रोहियों के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और राजनीतिक विचारधाराएं हैं। हुती विद्रोही ईरान के समर्थक माने जाते हैं, जो इजरायल के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव ने इस दुश्मनी को और भी गहरा किया है। गौरतलब है कि हुती विद्रोही शिया मुसलमान है, जबकि इजरायल के आसपास के अधिकांश देश सुन्नी है। इस धार्मिक विभाजन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। वहीं इजरायल ने हमेशा ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए खतरा माना है। हुती विद्रोही जो ईरान से हथियार और समर्थन प्राप्त करते हैं, इजरायल के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। इजरायल ने हमेशा ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए खतरा माना है। हुती विद्रोही जो ईरान से हथियार और समर्थन प्राप्त करते हैं, इजरायल के लिए खास रूप से चिंताजनक है। बता दें कि सऊदी अरब ने हमेशा से हुती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल के रुख का समर्थन किया है। ऐसे में इजरायल का ये कदम सऊदी अरब के साथ उनके संबंधों को और मजबूत कर सकता है। वहीं ईरान ने इजरायल के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे एक उकसावे के रूप में देखा है। ये तनाव क्षेत्र में और ज्यादा युद्ध की संभावना को बढ़ा सकता है। हालांकि युद्ध बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ये संघर्ष न केवल यमन बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि इजरायल द्वारा हुती विद्रोहियों पर की गई कार्रवाई क्षेत्रीय राजनीति में एक खास मोड़ है। इस दुश्मनी की कहानी सदियों पुरानी है और इसमें कई कारण शामिल है। इजरायल जो अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देता है, उसने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी प्रकार के खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।